ओम शांति। आज की तारीख है 6 मार्च 2022 की अव्यक्त मुरली। मुरली की 5 मुख्य बातें जो बाबा ने हम बच्चों के लिए कही। रिवाइज डेट 22 फरवरी 1990 मधुबन। नंबर 1, आज त्रिमूर्ति शिव बाप हर एक बच्चे के मस्तक पर 3 तिलक देख रहे हैं, अर्थात ज्योति बिंदु बाप बच्चों के मस्तक पर 3 बिंदियों का तिलक देख हर्षित हो रहे हैं। नंबर 2, यह तिलक सारे ज्ञान का सार है। इन 3 बिंदियों में सारा ज्ञान सागर का सार भरा हुआ है। सारे ज्ञान का सार 3 बातों में है, परमात्मा, आत्मा और ड्रामा, अर्थात रचना बाप भी बिंदु तो आप सभी भी बिंदु, और रचना अर्थात ड्रामा भी बिंदु। नंबर 3, बाप कहते हैं कुछ भी हो जाए, बाप और सेवा से कभी भी किनारा नहीं करना है। याद करने में, पढ़ाई पढ़ने में मन नहीं भी लगे तो भी जबरदस्ती सुनते रहो, योग लगाते रहो, ठीक हो जाएंगे। नंबर 4, वरदान। ड्रामा में जो भी होता है वह कल्याणकारी युग के कारण सब कल्याणकारी है। अकल्याण में भी कल्याण दिखाई दे तब कहेंगे निश्चय बुद्धि, पर स्थिति के समय ही निश्चय की स्थिति की परख होती है। निश्चय का अर्थ है संशय का नाम निशान ना हो, कुछ भी हो जाए लेकिन निश्चय बुद्धि को कोई भी परिस्थिति हलचल में ला नहीं सकती। हलचल में आना माना कमजोर होना। नंबर 5, स्लोगन। परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज ही माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति।